हल्दी, जीरा, गरम मसाला, कसूरी मेथी, घी, कॉर्न, रिफाइंड ऑयल, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, ग्रीन चिली, सूखी लाल मिर्च, टमाटर, इसका प्योरे बना लो आप, अनियन, इसे फाइनली चॉप कर लो, स्पिनच। स्पेनच को थोड़ा ब्लांच ब्लांच करेंगे हम लोग। उसके लिए पानी को हल्का गर्म करना है और उसमें ही पालक को धोकर उसमें डाल देना है। स्पिनच को ज़्यादा बॉईल ना करें, इससे इसका न्यूट्रिशन और कलर दोनों कम हो जाएगा। देखो बस इसे इतना ही बॉईल करना है और इसे मैं स्ट्रेन कर लूंगी। नाउ लेट इट कूल, उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। कढ़ाई को गर्म होने दो, फिर इसमें थोड़ा ऑयल एंड घी डाल दो। ग्रेटेड हरी मिर्ची डालना था इसमें। एड गार्लिक, नाउ एड सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर। नाउ गिव अ मिक्स, अब इसे एक बार मिला लो। इसका मसाला भुन चुका है, अब इसमें हम लोग ये कॉर्न डाल देते हैं। फिर कॉर्न के साथ इसे काफ़ी देर पकाएंगे। अभी ये कॉर्न और मसाले के साथ अच्छे तरीके से भुंज गया है। इसी वक्त हम इसमें ये पालक का प्योरे जो बनाया है हमने वो डाल देते हैं एंड इसे भी मिला देते हैं। का कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन एंड येलो कलर है ना। अब इसे ना हम थोड़ा ढक कर पकाएंगे जब तक इसका जो क्वांटिटी है वो थोड़ा कम ना हो जाए। इसे तब तक भूनना जब तक इसका कलर ना थोड़ा सा कम ना हो जाए, मतलब चेंज ना हो जाए। फिर इसमें कसूरी मेथी अच्छे से रब करके डाल देना एंड फिर इसे अच्छे से आप मिक्स कर लेना। इसमें थोड़ा पानी डाल देना आपको जिस टाइप का ग्रेवी चाहिए उस टाइप का, बट मेरे ख्याल से तो पालक पनीर या फिर कॉर्न पालक आप बनाते हो तो ये थोड़ा सा ड्राई इसका कंसिस्टेंसी होता है, तभी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन एज़ पर योर चॉइस, आप जैसा भी इसको खाना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप इसे पानी डालकर इसे मिक्स करके फिर से थोड़ी देर ढक कर पकने देना आप। के आप इसको रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हो। तो अब बारी है टेस्टिंग की, तो ऑफकोर्स टेस्टिंग के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही है टेस्टर की। जी बताइए। हाँ तो टेस्टर ही हो ना आप। वो तो रोटी बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा, पतला पतला रोटी, इसमें थोड़ा सा घी लगा दोगे ना तुम। बट मेरे से भी ज़्यादा अच्छा रोटी जॉली दी बनाती है। अच्छा, मुझे ऐसे रोटी पसंद है। अच्छा है, बढ़िया।
बट एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा, मतलब थोड़ा सा कुछ कम सा लग रहा है। देखो सब अच्छा है, टेस्ट सब कुछ बढ़िया है, थोड़ा नमक वैसे मेरे लिए ठीक है, जो लोग थोड़ा नमक ज़्यादा खाते हैं उनके लिए थोड़ा नमक चाहिए होगा। मेरे को लगा पता नहीं मेरा हो जाता है यार नमक को ऊपर नीचे हो जाता है, अच्छा है नमक कम रहे चल जाए। ओके गाइस, तो आई थिंक वो अच्छा बना, बस नमक का थोड़ा हो गया। मेरा ये हमेशा का प्रॉब्लम रहा है, खाना सब सही होता है हल्का नमक कम हो जाता है, बट दैट्स ओके, वो आप मैनेज कर सकते हो राइट। तो आई होप सो आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा होगा, तो आप भी ट्राई करो, एंड अगर कभी बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताना कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई करी है, एंड मस्त है, आप बिल्कुल उसको ट्राई करो। और अगर आप चाहते हो इसको थोड़ा सा और क्रीमी टेक्सचर के लिए, तो आप इसमें मलाई या फिर आप वो जो क्रीम आता है वो भी आप डाल सकते हो, उससे भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फिर चलो अब मैं चलती हूँ डिनर करने के लिए अपना, आप भी अपना डिनर करो। आई डोंट नो डिनर नहीं, आई थिंक आप इस वक्त लंच कर रहे होंगे जब मैं वीडियो डालूँगी। तो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।